नमस्कार साथियों, देर लगेगी मगर सब सही हो जाएगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। यकीन रखो, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जिस दिन मन हारने लगे, उस दिन अपने आप से पूछना, शुरू क्यों किया था। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले लोग पछताए। सब्र सब इंसान में नहीं होता है, ओ अरार जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो, बल्कि इसलिए कि आप अलग हो। हर मंजिल हासिल होगी, बस तुम अपने इरादे नेक रखना। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। हमें अपने जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे दो कदम आगे हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर, औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाध्य से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चरस जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। उद्दा देती हैं नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। खुल सकती हैं गांठें बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियां चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बद्धी से बद्धी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बद्धा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा,
जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, वो असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। अभी तो इस बाज की असली उड्डान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता क्योंकि वह मौन रहती है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती अपितु आपके कर्म करते हैं। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हों। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। चुप रहना कमजोरी नहीं है अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। मौन खाली नहीं है, ये उत्तरों से भरा है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। शब्द तो हर कोई समझ जाता है, तलाश सिर्फ उसकी है जो खामोशी समझ ले। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। लगातार बोलते रहने से ध्यान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन से। कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानता, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसे कहां बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी ला जवाब नहीं बन पाएंगे। खामोशी का अपना ही मजा है, पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों के बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ध्यान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबां से नहीं दिल से की जाए। खामोशी वो सब कुछ बयां कर सकती है जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। यूं तो दुनियाओं में सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती।
अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में के चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। जो गड्ढा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए, कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। जहां विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे, वहां मौन साध लो दोस्त, वहां पर मौन रहना ही सही है। जहां बात बात पर बात का बतंग गद्दाच बन जाता हो, अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अज्ञान की सबसे बद्धी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। जो अपनी जुबान को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जुबान पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी, इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे गद्दी की खोज में लग गए। इधर उधर यहां वहां हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी, और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया।
शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकलना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें, अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। चुप रहना हमारी सेहत के साथ साथ हमारे मस्तिष्क के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इससे स्ट्रेस दूर होने से लेकर अच्छी नींद आने तक के कई फायदे सेहत को होते हैं। अक्सर लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं ताकि उनका मन शांत रहे और वह दिन भर एनर्जेटिक महसूस कर सके। कहा जाता है सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर शांत रहना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान मेडिटेशन और चुप रहने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन अगर रोजाना एक घंटा चुप रहा जाए तो उसके सेहत से जुड़े कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। रोजाना अगर एक घंटा उठने के बाद मौन व्रत धारण कर लिया जाए या सिर्फ चुप रहा जाए, किसी से कोई बात नहीं की जाए, तो ये हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। ऐसा करने से स्ट्रेस दूर होता है और मन शांत रहने लगता है। रोजाना एक घंटा चुप रहना हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी साबित होता है। ऐसा करने से याददाश्त भी तेजी से बढ़ती है और सर दर्द की समस्या भी खत्म होती है। रोजाना अगर नियमित रूप से मेडिटेशन करते हुए आप खुद को एक घंटे तक चुप रखते हैं तो ऐसा करने से इमोशनल अवेयरनेस बढ़ती है, वहीं सोचने समझने की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छी गहरी समझ के लिए शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि चुप रहने से रोजाना अच्छी नींद आती है और आप बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं। टेंशन दूर दूर तक आपके पास नहीं भटकती है, वहीं आपके शरीर में दिन भर एनर्जी भरपूर बनी रहती है, ब्लड प्रेशर भी बैलेंस में रहता है। अगर आप दिन भर काम की थकावट से परेशान हो जाते हैं तो यह आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हमें बोलना जरूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो, यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है, या आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने, उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ते तो बना लेते हैं, पर रास्ते में कुछ समस्या आ जाती है तो सफलता पाने का रास्ता ही बीच में छोड़ डेड एच देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसका समाधान उनके पास नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई यह पंक्ति उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना।
महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है, जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एल शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, इससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी तरह अर्जित की गई हो। जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस वक्त मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। जो भी करो 100% करो, नहीं तो शुरू मत करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विजय होना असंभव हो। डर से जितना दूर भागते हैं डर उतना ही खतरनाक होता जाता है। मौत से मत डरो, इस अधूरी जिंदगी से डरो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप एक समझदार इंसान हैं। अगर मैं आप में लड़ने की ताकत है तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। आपकी गलतियां ये बताती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीखो सबसे, लेकिन फाइन लो किसी को मत करो। आप खुद पर शक मत करो, सिर्फ मेहनत करो। जिसके सपने जितने बड़े हैं उसकी कामयाबी उतनी बड़ी होती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तुम्हारा जन्म कहां हुआ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। बिना मन के सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं। जिंदगी की जंग में उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत, फेल हुए हो जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं तो वही उत्साह आगे भी रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है आप तो मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी की जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे।
दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर हैं, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं, तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी है। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे, तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे, तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था, तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया, जिसको सभी लोगों ने फूलों की माला पहनाई और जयकार करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है, जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जिसने पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए, क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। ये बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी। पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जिसने हवा के विशाल झोंके को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था, उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, मैं ठीक हूं, यानी सबसे बड़ा मैं हूं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूं। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है, आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्त, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, ओवरथिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर, तो इंसान को इंसान नहीं दिखता।
जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरफ बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी न होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दें। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने न दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से एलडाजडहो रेजने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बढ़ी से बद्धी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेगी। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। न कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छिन लेता है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता। अपने स्वयं के मन को जानना ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। किसी समस्या को हल करते समय पत्तियों को दोष देने के बजाय जड़ों को खोदें। जीवन में अधिकांश समस्याएं दो कारणों से होती हैं। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं, या हम बिना कुछ किए सोचते रहते हैं।
कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। समाधान हमारे काम और अनुशासन में है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मर दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर नहीं अपने काम पर ध्यान लगाएं। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। भगवान की नज़र में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, डिस्ट्रैक्शन पर नहीं। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। बीते वक्त का चौकीदार ना बन, इस लम्हे का कर्ज अदा कर। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। परिंदे को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह उसके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जिनके पास हुनर होते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लना पट डेचता है। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। अगर रेस लंबी हो तो यह मायने रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि यह सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। हजारों ख्वाब टूटते हैं तब कहीं एक सुबह होती है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे ही सक्सेस कहते हैं। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वे हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। लोग आपको नहीं, आपके सक्सेस और पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। आपके पास जो भी है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहां आसमां के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है। आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया, अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। जिंदगी में हमेशा जिद ऐसा करो कि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल कर सको। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बेदीदी गलती होती है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है रुकना नहीं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। देर से बनो, लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर,
क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना। तुझे भीड़ से तू अलग चलकर तो दिखा, मतलब ही नहीं मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है और दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे के नहीं। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। हमारी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको रास्ते में कई सारे असफलताओं की सीढ़ी पर भी चढ़ना होगा। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हों। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। सफलता की सबसे खास बात यह कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है।